की सेकेंड रोड नॉट टेकन दिस पोएम्स रिलेवेंट टू अवर लाइफ. इसमें पोएट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक वुड्स में एक जंगल में जाता है जहाँ उसे दो पाथ्स मिलते हैं जिसमें से उसे एक पाथ पे मतलब चलना होता है. तो वो बहुत थिंकिंग मतलब बहुत देर तक सोचता है कि वो कौन सा पाथ ले जिससे कि उसे ईजी रहे वो मतलब उसे मुश्किल ना आए. तो वो बहुत देर पर सोचने के बाद वो सेकेंड पाथ चूज करता है और उसके बाद वो चलना शुरू करता है. तो वो धीरे धीरे उसमें बहुत सारी मतलब सिर्फ प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है. फिर वो सोचता है कि मतलब उसने सेकेंड पाथ क्यों चूज किया, उसे फर्स्ट पाथ पे ही चूज करना चाहिए था. तो इस स्टोरी से हमें मोरल मिलती है कि अगर जो भी हम पाथ मतलब हम जो भी करियर ऑप्शन सेलेक्ट करें उसे हमें सोच समझ के लेना चाहिए क्योंकि जिससे अगर आगे हम चले गए तो उससे वापस हम नहीं आ सकते. सो द पोएट गिव्स इम्पॉर्टेंट मैसेज द आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन अवर प्रेजेंट द करियर ऑप्शन विल चूज टूडे विल डिटरमाइन व्हाट विल बी बिकम टुमारो. द इसमें एक मतलब ये एक डायलॉग शो किया गया जिसमें एक मतलब एक इंसान है जो उसके पास दो रास्ते हैं उसमें कई सारे रास्ते हैं पर उसमें से किसी एक पे जाना है जैसे कि आर्किटेक्ट चार्टर्ड अकाउंट डॉक्टर लॉयर कंपनी सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकता है जर्नलिस्ट बन सकता है इंजीनियर बन सकता है आर्टिस्ट बन सकता है. तो मतलब उसमें कई सारे ऑप्शन है बट अगर हम कोई भी एक रास्ता लें तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए जैसे कि हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि हमें अगर हम उसे लें और अगर हमें बाद में वो भी प्रॉब्लम की हमें नहीं ये सेलेक्ट नहीं करना दूसरा लेना तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जो पाथ में हमें सोच समझ के लेना चाहिए.